अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं चने की भाजी और खीमा बना ले रहा हूँ। उसके लिए पहले कढ़ाई रख ली, उसमें तेल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की भाजी का सीज़न चल रहा, सर्दियों में आती चने की भाजी। चने की भाजी और खीमा बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है उसका। भाजी रोटी के साथ अच्छी लगती। तेल गरम हो रहा, उसमें हम खीमा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसके साथ हरी मिर्च, हरी मिर्च में मैं नमक और लहसुन डाल के पीस ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अदरक लहसुन डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लहसुन ज़्यादा डाल लिए हैं। उसमें डाल लेंगे नमक। चने की भाजी में नमक बिल्कुल कम डाल लेना। ऐसा पालक की भाजी में कम डाल लेते ना, चने की भाजी में भी ज़्यादा नहीं लगता नमक। अब इसका पानी सूखने तक थोड़ी देर ढाँप लेंगे खीमे को। बिस्मिल्लाह। पानी सूखने की आवाज़ आ रही है, अब निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए पूरा पानी सूख गया है। हम इसमें सिर्फ नमक डाल देते और मिर्च को डाल देते। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी डिश कैसी लगती है आप बताइए। बिस्मिल्लाह। हल्दी डाल ले रहा हूँ। अब इसके साथ डाल लेंगे भाजी। ये भाजी है, भाजी को मैं पहले साफ धो लेने के बाद अच्छा पानी निकाल लेकर रख ली थी। देखिए चने की भाजी इस तरह की होती, छोटे छोटे पत्ते वाली होती, बहुत मज़ेदार होती भाजी। दूसरे से डालेंगे लहसुन। लहसुन को कूट के डाल लेंगे, इसको ढक के रख लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए भाजी में बिल्कुल भी पानी नहीं रख लेना। चने की भाजी जब आप पानी से निकाल देना, अच्छे से निचड़ के निकाल लेना, बहुत जल्दी बनती है भाजी, टाइम नहीं लेती। इसमें पानी या कुछ नहीं रहता ना, बहुत जल्दी फटाफट बनती है। आप बाजरे की रोटी के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है इसका। अब रेडी है ये भाजी और दो मिनट रख लेते हैं। लीजिए तैयार है भाजी, चने की भाजी और खीमा। आप भी बनाइए, इंजॉय करें। अब निकाल लेंगे। ये तैयार है चने की भाजी और खीमा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। बहुत ही मज़े की होती भाजी, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगी। अल्लाह हाफिज़।